हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य जो है ये बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, देश को संभालें और हमारी उन्नति करें। तो इसके लिए हम चाहते हैं, इसलिए हमने ये बुक्स इनको दी। स्कूल शुरू हो गई है, ये सारे बच्चे जो हैं कहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई स्ट्रीट में पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे ये बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो इन लोग के लिए बुक्स देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्राइवेट स्कूल में तो बच्चों को बुक्स मिल जाती हैं, उनके माँ बाप खरीद के दे सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई नहीं है जो इनको खरीद के दे सके। ये उम्मीद फाउंडेशन के बच्चे हैं, उम्मीद फाउंडेशन के पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत अनाथ है और जो यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि किसके साथ पल रहे हैं, कौन पल रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग ने ढूंढ के निकाला है और इन बच्चों को हम लोग बुक्स दे रहे हैं, टिफिन बॉक्स दे रहे हैं, स्टेशनरी दे रहे हैं। और ये सब बच्चे हैं हमारे, अभी हमने दे दिया। तो अभी ये सब बच्चे जो है ये खुश है, अभी ये सब जा रहे हैं। तो ये DPP ट्रस्ट की तरफ से ये हमारा एक छोटा सा ड्राइव है कि एजुकेशन की तरफ ये बच्चे लोगों को लेके जाया जाए, ताकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य बने। हाँ जी बोलिए। मैं जानना चाहेंगे कितने बच्चों को आज आपने हमने 100 बच्चों को ऊपर बच्चे लोगों को बांटा हुआ है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड या सीनियर KG से फोर्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं। उनको छोटी बुक्स चाहिए थी तो हमने वो छोटी बुक्स उनको दी हैं। जो फोर्थ स्टैंडर्ड के ऊपर के बच्चे हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर के हमारे पास 9th-10th स्टैंडर्ड तक के भी बच्चे हैं, उनको फुल स्केप बुक चाहिए थी तो हमने वो फुल स्केप बुक बांटी है। सबको स्टेशनरी ऑलमोस्ट सेम है, बैग सेम है और बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे एक ही जैसे बैग लेकर के, जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे वैसे ये लोग भी जा रहे हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह मैं अपना बर्थडे मनाना चाहती हूँ कि जहाँ मैं खुशियाँ बांट सकूँ, जहाँ मैं किसी सबको इक्वली सब कुछ बांट सकूँ। जैसे हमने घर से लड्डू भी बनवाए हैं तो लड्डू भी बांट सकें। बहुत अच्छा लगता है कि हम हाथ से कुछ बना करके बांट रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। इतने सारे बच्चों को आपने अरेंज कैसे किया? उम्मीद फाउंडेशन जो यहाँ पे मालवनी में स्लम्स में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, सलमा जी हैं जो उनसे हम लोग कांटेक्ट करते थे। लास्ट ईयर भी आपने अगर देखा रहेगा तो लास्ट ईयर भी हम लोग ने बच्चों के साथ और काफ़ी लेडीज़ के साथ हमने सैनिटरी ड्राइव भी किया था। तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ कॉन्टैक्ट में रह करके, हमने हर साल कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। तो ये साल का बर्थडे मेरा इस तरह गया। मैं पिछले साल और इस साल के बर्थडे में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? डिफरेंस ये दिख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये डिफरेंस है। लास्ट टाइम जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पर जो बच्चे थे बहुत कम ऐसे थे तो जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो इतने बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं और प्रॉपर रजिस्टर्ड बच्चे हैं और उनको जाकर के पढ़ना है, उनके पास बुक्स नहीं है, तो फिर हमने बुक्स दे दी। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मच लव।